क्रिकेट जो कि दुनिया के सबसे पॉपुलर खेल की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है। दुनिया के करोड़ों लोग इस खेल से प्यार करते हैं, लेकिन इंडिया में जब आईपीएल का सीज़न आता है तो बात ही कुछ अलग हो जाती है। हर आईपीएल में फैंस का क्रेज़ दोगुना हो जाता है, लेकिन इस खेल के साथ ही साथ कई बार प्लेयर्स एक दूसरे के साथ लड़ाई में भी उतर आते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको आईपीएल इतिहास की 5 सबसे बड़ी लड़ाइयों के बारे में बताऊँगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहता हूं। नंबर 1, कैरन पोलार्ड वर्सेस मिशेल स्टार्क। आईपीएल 2015 में पोलार्ड और स्टार्क के बीच कुछ हो गया था। दरअसल वानखेड़े स्टेडियम में जब मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच मैच चल रहा था, तब स्टार्क ने जानबूझकर बार बार बाउंसर गेंद फेंकी, जिसे पोलार्ड खेल नहीं पा रहे थे और स्टार्क पोलार्ड को स्लेच भी करने लगे थे। इसके बाद नेक्स्ट बॉल डालने से पहले पोलार्ड क्रीज से हट जाते हैं, लेकिन स्टार्क फिर भी गुस्से में आकर बॉल डाल देते हैं। इसके बाद पोलार्ड को भी गुस्सा आ जाता है और वो बॉलर की तरफ अपना बैट फेंक देते हैं। इस घटना के बाद सभी ऑडियंस भी हैरान हो गए थे, क्योंकि पोलार्ड बहुत ही सुलझे हुए बैट्समैन हैं और उन्हें भी ऐसा गुस्सा आ सकता है, यह किसी ने नहीं सोचा था। फिर अंपायर ने बीच में आकर उन दोनों का सुलह करवाया। मैच के बाद पोलार्ड का 75% और स्टार का 50% मैच फीस काट दिया गया। नंबर 2, सौरभ गांगुली वर्सेज शेन वॉन। यह घटना साल 2008 की है, जब आईपीएल का पहला सीजन चल रहा था। राजस्थान और केकेआर के एक मैच के दौरान केकेआर 196 रनों के टारगेट को चेस कर रहा था। क्रीज पर गांगुली और डेविड हसी बैटिंग कर रहे थे, तभी यूसुफ पठान की बॉल पर गांगुली डीप मिड विकेट की तरफ शॉट खेलते हैं और ग्रीन स्मिथ के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। अंपायर ने भी उन्हें आउट करार दिया, लेकिन दादा की आंखों को धोखा देना इतना आसान नहीं। उन्हें कुछ डाउट लगा और उन्होंने रिव्यू के लिए अप्लाई किया। थर्ड अंपायर ने गांगुली को नॉट आउट दिया। इसके बाद शेन वॉर्न ने आकर उन्हें कुछ बोला और दोनों में बहस हो गई और अंपायर ने आकर दोनों को रोका, लेकिन यह यही शांत नहीं हुआ और मैच के बाद वॉर्न ने इस बात को लेकर मैच रेफरी फारूक के पास एक कंप्लेन भी दर्ज की। बाद में जब गांगुली को इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि कैच ड्रॉप्ड है, इसलिए रिव्यू मांगा था, जो कि उनकी राइट में है, और तब से लेकर 7 साल तक दोनों में कुछ भी बातचीत नहीं हुई थी। नंबर 3, अंबाती रायडू वर्सेस हरभजन सिंह। आईपीएल 2016 के दौरान हरभजन और रायडू के बीच बहस हो गई थी। दरअसल मुंबई इंडियंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट के बीच मैच चल रहा था और भज्जी सौरभ तिवारी को बॉल कर रहे थे और रायडू बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन सौरभ तिवारी के एक शॉट को बाउंड्री पार होने से रोक नहीं पाए। इसके बाद भज्जी को काफी गुस्सा आया और रायडू पर चिल्लाने लगे, और उसी बात पर रायडू भी भड़क गए और दोनों में बहस हो गई, लेकिन भज्जी ने अपनी अकलमंदी दिखाई और रायडू को शांत होने को कहा और बहस वही खत्म हो गई। मैच के बाद रायडू ने भज्जी से काफी बार माफी भी मांगी थी। नंबर 4, गौतम गंभीर वर्सेस विराट कोहली। आईपीएल 2013 के दौरान भारत के दो दिग्गज खिलाड़ी के बीच लड़ाई हो गई थी। वैसे तो दोनों ही शॉर्ट टेम्पर्ड प्लेयर हैं, तो लड़ाई होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दरअसल केकेआर और आरसीबी के बीच यह मैच बहुत ही रोमांचक पोजीशन पर था। तभी कोहली के आउट होने के बाद जब वो क्रीज छोड़ रहे थे, तभी गंभीर ने उनसे कुछ कह दिया था, जिससे कोहली काफी गुस्से में हो गए थे और फील्ड पर ही दोनों की बड़ी बहस हो गई थी। बहस के दौरान दोनों काफी गुस्से में थे। फील्ड पर मौजूद दूसरे प्लेयर्स ने दोनों को रोका, तब जाकर लड़ाई खत्म हुई। लेकिन मैच के बाद भी इस घटना को लेकर काफी चर्चा हुई और गंभीर और कोहली दोनों ने इस पर कई बार बात भी की। दोनों का कहना है कि वैसे तो रियल लाइफ में वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन स्पोर्ट्स स्पिरिट की वजह से ऐसा हो जाता है। नंबर 5, एस श्रीसंत वर्सेस हरभजन सिंह। शायद यह आज तक का सबसे शर्मनाक आईपीएल मोमेंट था, जब हरभजन ने श्रीसंत को थप्पड़ मार दिया था। आईपीएल के पहले सीजन यानी 2008 में यह घटना हुई थी। मोहाली में हुए एक मैच के दौरान किंग्स इलेवन पंजाब ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया था। उसके बाद श्रीसंत ने हरभजन को ऐसा कुछ कह दिया, जिससे गुस्से में आकर हरभजन ने थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि आपको इसका कोई भी फुटेज या वीडियो नहीं मिलेगा, लेकिन श्रीसंत को रोते हुए आप देख सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जीतने के बाद श्रीसंत ने कहा था हार्ड लक, जिससे मुंबई इंडियंस के तब के कप्तान हरभजन सिंह को गुस्सा आ गया और उन्होंने ऐसा कर दिया। इसके बाद उन्हें आईपीएल के उस साल के सभी मैच से बैन कर दिया गया था। हालांकि बाद में हरभजन ने श्रीसंत से काफी बार माफी भी मांगी और दोनों में सुलह भी हो गई,
भज्जी को उस सीजन में लगभग 2.67 करोड़ का नुकसान भी हुआ था। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही फैक्ट के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।